श्रीं क्लीं ऐं अरं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सिजन्माप्तान्जनान् सर्वार्थोषेधितान् ॐ ह्रीं श्रीवृषभादे विनप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृषभादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृषभादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृषभादे वीरान्ताश्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृषभादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृषभादे ॐ ह्रीं श्रीवृषभादे वीरान्ताञ्जलि जी का अभिषेक करे हमनेक शुद्ध जलि द्वारा तुले जाए पाप हमारा श्री जी का श्री जी अनंत गुणों वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन कर शतिवारा फिर करी शुद्ध जलिधारा श्री जी का अभिषेक करे ये पाप हमारा सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में हे पूजिक करे हमने धुले जाए पाप हमारा धुले जाए पाप हमारा। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए मूल नायक श्री चंदप्र भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संबंधन प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं आप देख रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से शास्त्रोत्त स्वामी शिखर की पावन तलटी में स्थित गुणायतन परिचर से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति हरा। गुरुवार के मुखारवी से 64 ऋद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति हरा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति हरा करा के साथ ही से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज इन्होंने नित्य शांति हरा जुड़कर शांति हरा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी चंद्रक्षर प्रकाश चंद जी सल्ला देवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुति दामाद अधिका चंजय पांडे समत अतिर फाउंडेशन सा परिवार। फैजाबाद से श्रोमणी चंद्रक्षर ललिती श्री श्रीमती कमलेश जी दिनेश मीना मुकेश अंजू नितिन पूजा अंकित रूबी पारस निशु श्यांश आंची अनंत मितांशी वाणी ओजस पीछा जैन सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी चंद्रक्षर अजयता संतोष देवी पंकज डोली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नंसी यस जैन सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी चंद्रक्षर विनी चंकिता पुलकित दिव्या पुनी शफाली शुरबित मेल श्रीमति शारदा शिखर चंद जी हर्षित सुषमी जी गोधा शाह परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी चंद्रक्षर श्री अनिल जी श्रीमती अमिता जी शशांक प्रीति तरुणोपमा श्वेता मित्तल मानवी शर्मन ईशानवी अहिली शंभव जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी चंद्रक्षर प्रमोद जी सुमन जी स्वाति साका से अजय मावड़िया प्रेरणा जी विशाल जी विवान जी गुप्ता शाह परिवार। आगरा से चक्रेश जी श्रीमति शिखा जी पुत्र पुत्री प्रखा जी सौम्या जी जयसी। सागर से संस्थापक से श्री प्रेमजन जी संध्या जी सौरव रोही गौरव दिव्यांश जितासा शुभंकर हितासा जनपकार परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद जी राजा सुनीता जी अंकित अनामिका राहुल तरुण कृति वीर मनीष जैन शाह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक से बाबूला सतवाई अखिलेश श्रीमती मीना जी असीम श्रीमती रिम्पी अपूर श्रीमती षष्ठी तिबेत सतवैया अध्यक्ष सतवैया शाह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजपुराई प्रेमचंद जी प्रेमी इंजीनियर रमेश जी दिनेश जी महेंद्र संजय अरहन अक्षय अक्षत अरहन तंक समस्त प्रणाई परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सच इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला जी एकता और अरुण विद्युत बस का जैन शाह परिवार। जबलपुर वापसी से श्रीमती निर्मला जी विजय कुमार शैलेंद्र जी श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मेधांश बेबी अनशन मेटावाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी चंद्रक्षर अर्पित जी श्रीमती ममता जी प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत पारासी जैन शाह परिवार। विदिशा से संस्थापक सच श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखा जी अनिता प्रिया दिव्या उतंग जैन शाह परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी नीना जी लियांसा जाग जी पाटनी शाह परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता जी संतोष भाई सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जैन बाबरिया पेवा दोतरा वाली। रतलाम से श्रोमणी चंद्रक्षर भोजला जी गणपति देवी राजेश जी रेखा जी आचार्य अंतरगवा शाह परिवार। इंद्रजयपुर से श्रोमणी चंद्रक्षर श्रीमती मिलवा देवी मुकेश कुमार जी चंदनवाला जी विजय ममता संजय ज्योतिका रितिका हितेश लाइसा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु अभिरश्नी दत्ती वर्धनी पाटोदी कश्लीवाल परिवार। अलवर से श्रोमणी चंद्रक्षर ताराचंद जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से अजय जी मधु जी अतुल आदि अबीरिया जियानू मेहतामित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी चंद्रक्षर चिंतामणि सवाईला जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी चंद्रक्षर श्रीमती चंदा देवी दंपति मोतीलाल जी शांतिलाल श्रीमती देवी निर्मल मीना विजय रश्मि अजय कंचन याशिका अंकिता गौरव नैतिक जी शराब की शाह परिवार।
बिलासपुर से रोमेश रनक्षा, विनोद जी रंजन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, मियां, रियाना, अभी अभिराज, कोयला परिवार। कटनी से रोमेश रनक्षा, श्री उत्तमचंद, श्रीमती प्रभाजी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, समिति विभाग, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आर्य, योग, क्रिया, प्रांजय, रनक, अनन, अस्का, समस्त कोयला वाला परिवार। यूएसए स्टेन टेक्सा से रोमेश रनक्षा, श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गरोल, चांदनी, बक्सा गुजरात से सुमेश नक्षत्र, भूपेन भाई, स्मृति सोबराबेन, अतुल, सीता, निहाल, वंदना धानी, समत लाधानी परिवार। जयपुर से सुमेश नक्षत्र, शांति कुमार, स्मृति ममता जी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धि, स्वेती, आदि, नित्य, जैन, समस्त सुखानी परिवार। जापान वाले कोलकाता से सुमेश नक्षत्र, रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, कि जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मैंग, शैली, शुभम, पल्ली, कांत जी, श्राव, सा परिवार। किशनगढ़ से सुमेश नक्षत्र, कवलदास जी, सोगी, सुशिलाई, पाटनी, शोरी जी, शांता जी, विमल, तारिका, मनी, चेची, विकास, सिद्धा, अभिनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, मान्या, रंजी, पाटनी, समस्त आर के महुआ परिवार। उदयपुर से तबक से प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, सिंह, स्वादेवी, पुत्री अविनी, भाव तीसरा पुत्र अनिमेष, का विजय, नखावत परिवार। टीकमपुर से शिखा जी, अनिल, सिंधी, चंदा जी, पति विभोधरा, स्मृति रुचि, अद्वित, स्मृति प्राचीन, कुतवाई, मिस्का, चौधरी, शशांक, भदोरा साहब परिवार। गड़ा कोटम्ब से श्रमिश नक्षक, जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि, इमराया, क्रांति शिल्पी, अनिशोरिया जी, सोदिया साहब परिवार। कोलकाता से गुणायत के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रुतुम जी, सौरभ जी, काला साहब परिवार। भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचर भाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, शाली, रोहित, सोनाली, विदेही, विदेशी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन साहब परिवार। भोपाल से श्रोणी संरक्षण, राजी जी, निशान, निर्णक भरी, रोनी, अंकुर, रोनक, जबड़कुल साहब परिवार। जयपुर से संपद राय, शांति देवी, सुपुत्र, रमेन जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी साहब परिवार। निखार वाले बापी, गुजरात से श्रोणी संरक्षण, भूपेन जी, रेखा जी, अंकु जी, प्रेक्षा, अनिशा, देवीना, मायरा, उम्र साहब परिवार। गुड़गांव से श्रोणी संरक्षण, संजय जी, रेणु जी, राशिका, तरुण, सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, जन, चौधरी परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी को साग, लवनिया, भव्य, तक्ष, चुड़ीवाल साहब परिवार। बंदा से सुमेश नक्षत्र, पुष्पेंद्र, सविता, नाथिन, गुरुंद, अंकित, मित्ता, मनस्वी, नैवेद्या, सराफ साहब परिवार। गुवाहाटी, कोलकाता से कबरी सिटी, सुमिरमल जी, छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमय देव, श्री इंद्र देव, छाड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीतिश, स्त्रां, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णो, नितिका, अभिमान, ऋतु, देवश, सुधीर, हार्दिक, समचुड़ियाल, छठी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवनगढ़, श्री पाना देव, सिटी, विनय, शर्मिला, विकास, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिद, प्रियंक, पले, जत, त्रिशिल, कब्ज, सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमी चंदक, श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरिंद, चिराग, श्रीमती छाया, सोरेजन सा परिवार। गन्नौर से श्रोमी चंदक, श्रीमती राजदुलारी जी, राजेश जी, गीता, अनिल, ममता, प्रेमी, नमन, अलीसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमी चंदक, प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र, श्रियांश, जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमी चंदक, स्वभक्ति, मीना जी, अनिल कुमार, सिंधी, सोनिया जी, आदि जी। सिंगापुर, स्वभक्ति, स्वाति जी, पीएचडी मास्टर, युवान, रियांजन, विद्यासागर, रोडवेज, व्यास, रघु साहब परिवार। कन्नौर से श्रोमी चंदक, महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान, जैन साहब परिवार। जयपुर अमेरिका से सुमित चंदक्ष, श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, विभक्षिता, विनी, जानवी, विराज, बापी वाल साहब परिवार। देहरादून से सुमित चंदक्ष, श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, विजय, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला साहब परिवार। जयपुर से सुमित चंदक्ष, नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमुनी, नाशुली, निशा, अंकित, आदवी, कानिया, रिवाज, अनुष्का जी, पहाड़िया साहब परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोषरा, पुतपुत, सपन जी, ममता, विकास, वैधवा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आश्रय, नैनी, नुन्नी, अशना, आईने, शराब साहब परिवार। दिल्ली सूरज से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन साहब परिवार। मिर्जापुर से सुमित चंदक्ष, विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन साहब परिवार। गंजबाधा से स्वर्ग अजित कुमार, चिंदी, जतन भाई, श्रीमती मंजुलता, सुभदे कांत, श्वेता जी, आंसी जैन साहब परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कृति निवेदन करते हैं। हे स्वामी, आज की शांति अगर रखे, हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। जग में, सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्याजक हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे टोनी जैन, नवीन जैन, गोलू जैन, श्रीमती कांता जैन, श्रीमती चंद्रमणि, फिर क्या है, बैसाखिया, श्रीमती स्वप्निका जैन, गंज वासुदा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से
सवाई सिंह है, महेंद्र कुमार जी, श्रीमती संचिता, श्रीमती श्री समकित कुमार, श्रीमती दीपांश कुमारी मनोज्ञा, बुद्धवीर सिरोंज परिवार, देवेंद्र जी के स्वास्थ्य लाभ की भावना से गुणायत दृष्टि, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उत्तम चंद जैन, देवेंद्र जैन, बसंत जैन, प्रभा भाई, राहुल जैन, राखी जैन, विमलेश जैन, अभिषेक जैन, प्रभु छाया परिवार, तेंदुखेड़ा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दीपक गोधा, मयंक, विपुल, अजय गोधा, उदयपुर, राजस्थान, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिंगे अशोक कुमार, आशीष कुमार, अमित कुमार जैन, राजा बिलहरा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती विमला जैन, उषा, अभिनेश, नेहा, आर्ची, मेघा, निक्की, अद्विक जैन परिवार, पुल्हा परिवार, गुणायतर दृष्टि अहमदाबाद, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, मनोज कुमार, तनिष्क, सुविद्य जैन, राजस्थान, उनियारा, डिकोलिया परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिनेश, मुकेश, समकित, पुलकित, अनंत, आशा, संजू, हेमा, प्रतिभा, आस्था, अवनी, बनेठा वाले, निवाई, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मदन लाल जैन, मुजफ्फरनगर वाले, जयपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। परेश, पूजा, पायल, प्रणय, विजय, देवांशी, माता कुसुम पांडे परिवार, मुंबई, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के अवसर पर रोहतक से बलजीत राय जैन, श्रीमती कमला जैन परिवार, कटक से आनंद धनावत, इम्फाल से मनोज कासलीवाल, पिंडरई से जितेंद्र जैन, कोल्हापुर से कुमारी स्नेहल पाटिल, घाटोल से अविश धीरावत, कोटा से श्रीमती कोमल जैन, सागवाला डूंगरपुर से राजेंद्र कुमार जैन, कोल्हापुर से स्नेहल दीपक पाटिल, सांगरकपुर से अनिमेश जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, इन्हें अपने लक्ष्य की उपलब्धि हो। पालनपुर से गुजरात से देवांग शाह, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोटा से चेतन लचिता जैन शाह परिवार, विकास, निष्ठा, विवांश, रियांश, शिल्पा शाह परिवार, और उत्तम चंद जैन, देवेंद्र जैन, बसंत, प्रभा भाई, विमलेश, राहुल, राखी, अभिषेक, समस्त प्रभु छाया परिवार, तेंदुखेड़ा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, कानपुर से श्रीमती निर्मला देवी जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। दीमापुर से श्रीमती निशांत सेठी, सलोनी सेठी, गर्भस्थ नवजात शिशु रक्षा, यूएसए से नमन गोयल, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, कन्नौज मुंबई से श्रोमण संरक्षक श्रीमती चिंतामणि जैन, धर्मपत्नी सवाईलाल जैन, दुलियान से अजीत अजमेरा, देहरादून से श्रोमण संरक्षक कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से विनीता जी पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और जो लोग परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सागर से सौरभ जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। सिद्धेभ्य श्री वीतरागय नमः। ओम ह्रीम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब शाहूनम चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धमो मंगलम चतारी लोगोत्मा हरिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केली पनत्तो धमो लोगोत्मो चतारी सन भो जामि हरिहंते सन भो जामि सिद्धे सन भो जामि साहु सन भो जामि केली पनत्तम धम्मम सरण पवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते पृथ्वीनाथे दुष्कलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय। सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व कृच्छोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः सिया उषा। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट किटिम किटिम घाते घाते परविघ्नान स्फुटे स्फुटे। सस्कंडान कुरुकुरु परमुद्रान छिन्न छिन्द परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ व व। ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरुकुरु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्या उषानाथ विद्याय नमो ह्रिन्तालं रौं सर शान्तिं कुरु कुरु ओम अहरां श्री ह्रीं आरूं ओ रौं साहर जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शान्तिनाथाय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथ सोक्तोर सत्पातिहार मृता सोक्तोर सत्पातिहार सोहन प्रतब्धाय अम्बुला ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय सुरपुष्पष्टि सत्पातिहार मृताय सुरपुष्पष्टि सत्पातिहार सोहन प्रतब्धाय बम्बुलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय दुब्बधुनि सत्पातिहार मृताय दुब्बधुनि सत्पातिहार सोहन प्रतब्धाय बम्बुलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय चामृतोरण सत्पातिहार मृताय चामृतोरण सत्पातिहार सोहन प्रतब्धाय बम्बुलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय सिंहासन सत्पातिहार मृताय सिंहासन सत्पातिहार सोहन प्रतब्धाय गम्बुलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय भामंडल सत्पातिहार मृताय भामंडल सत्पातिहार सोहन प्रतब्धाय जम्बुलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय दुंदुभि सत्पातिहार मृताय दुंदुभि सत्पातिहार सोहन प्रतब्धाय स्मूलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय छत्तत्तर सत्पातिहार मृताय छत्तत्तर सत्पातिहार सोहन प्रतब्धाय कम्बुलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांतिकराय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिनं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन् सुदारानं सर्वशान्ति ह्रीं अर्हं नमो संयम बुद्धानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ये बुद्धानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो ऊजु मदीनं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो बिबुल मदीनं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधि पत्तानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो विज्ञहरानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न शमनानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्रतवानं सर्वशान्ति ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं सर्वशान्ति ओम मरहम नमो घोर गुणमंभयारी सर्वशांति ओम ह्रीं मरहम नमो आमो सही पत्तानं सर्वशांति ओम ह्रीं मरहम नमो खेलो सही पत्तानं सर्वशांति ओम ह्रीं मरहम नमो जल्लो सही पत्तानं सर्वशांति ओम ह्रीं मरहम नमो बिठो सही पत्तानं सर्वशांति ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बो सही पत्तानं सर्वशांति ओम ह्रीं मरहम नमो मन बलिनं सर्वशांति ओम ह्रीं मरहम नमो बची बलिनं सर्वशांति ओम ह्रीं मरहम नमो काय बलिनं सर्वशांति ओम ह्रीं मरहम नमो खीर सवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम सर्वशांति ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्वशांति ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीश सवीनम सर्वशांति ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानशानम सर्वशांति ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम सर्वशांति ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्वशांति ओम ह्रीं अर्हं नमो भवदो महदिमाभिर्वड्डमान बुद्धिरिशिनं चेदि सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भवदो वर्धमान सरिस सजस्य कमजलं तं गच्छै आयसं पायलं लुयानं भूयानं जुया विवादिवार नगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानं अपराजितो भवतु मे
रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सर्वेषां तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु, सद्धर्म श्री बलायुरारोग्येश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्य का नाम, प्रतिपाल्य का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिम्, करोतु शान्तिम्, करोतु शान्तिम्। पदस्थघाती कर्मा न केवल ज्ञान भास्करा, कुरुवंतु जगताम शांति विश्वाद्या दिनेश्वरा। जोलो से आदिनाथ भगवान की जय, जय चंद्रप्रभु भगवान की जय, जय शांतिनाथ भगवान की जय, जय पार्शनाथ भगवान की जय, जय महावीर भगवान की जय, जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, जय जय। चंदन गुलाल बने हो तेरे चरणों की। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं सरोज परिवार से सबाई सिंघई माननी महरों की धूल बाबा। चंदन गुलाल बने। और आज हमें लगता कि नवयुवक जिन्होंने 20,000 की बोली ली आज उनका हक तो बनता, तो जल्दी से हाथ लगा लो वो लोग भी पहुंचो गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन का सौभाग्य आप। अरिहन्ताणमो सिद्धाणमो सिद्धाणमो आयरियाणमो आयरियाणमो अध्यायमो लोए सवश नमो लोए सवसा एसो पंचेणमो यारो पंचिणमो यारो सव पाव पणाशिनो सव पाव पणाशिनो मंगलालं च सवेशिम मंगलालं च सवेशिम परमं होइ मंगलम पढ़ोम होई मंगलम। जय बोलो देवादि देव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय, जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय, जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय, जय जय। गुणायतन प्रणेता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत होती है। अनेक जन्मों की साधना जब फलीभूत होती है तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को पूर्णता प्रदान कर पाते हैं। जिन तीर्थंकर परमात्मा की हम आराधना करते हैं उन्होंने तीर्थंकरत्व ऐसे प्राप्त नहीं किया। उनके ज्ञात इतिहास में 10 भव की साधना तो सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है, जिसमें उन्होंने हर जन्म में साधना की, तपस्या की, त्याग किया, संयम को अपनाया, जिससे उनकी आत्मा की योग्यता और पात्रता में निखार आते गया।
आगे बढ़ते बढ़ते जब सोलह कारण भावनाओं से वे अनुप्राणित हुए, तब उनके भीतर एक ऐसी क्षमता विकसित हुई जिसने उन्हें तीर्थंकरत्व के गौरव से मंडित कर दिया। हम वर्तमान में उसी तीर्थंकरत्व को प्रदान करने वाली भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं और आज दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता निरतिचार शील व्रत के पालन के बाद अभीक्षण ज्ञानोपयोग तक की चर्चा की। आज उससे अगली कड़ी है अभीक्षण संवेग। अभीक्षण संवेग निरंतर संवेग होना। संवेग मतलब डरना। प्रायः डरना अच्छा नहीं माना जाता। डर को एक नकारात्मक संवेग के रूप में देखा जाता है और ये कहा जाता है कि डरो मत, डरना एक दुर्बलता है, जो डरता है वो बिना मरे मर जाता है। तो महाराज, जब डर हमारी दुर्बलता है तो ये डर हमारे संसार से उद्धार का आधार कैसे बनेगा? डर से इसका तीर्थंकर प्रकृति का सोलह कारण भावना से क्या संबंध? बात समझने की है। एक डर है जो हमें कमजोर बनाता है और एक डर है जो हमें समर्थ बनाता है, सतर्क करता है। भावी आशंका के प्रति सतर्क होना समझदारी है और भावी खतरे को देखकर घबरा जाना हमारी दुर्बलता। जो भयातुर होते हैं वे भयजन्य परिस्थितियों के निर्मित होने पर अंदर से टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, पस्त पड़ जाते हैं। लेकिन जिनमें सही समझ होती है, जिनके अंदर ज्ञान होता है, वो बाहरी किसी परिस्थिति से रंच मात्र भी नहीं डरते, अभी तो निर्भय, निर्भीक और निडर होते हैं, लेकिन अपने प्रति हर पल सतर्क रहते हैं। आज मैं चार बातें कहूँगा। कहा जाता है संवेग क्या है? संसारात भीरुता संवेग है। संसारात सतत भीति संवेग है। संसार से डरने का नाम संवेग है। चार बातें आज आप सबसे करूंगा। संसार से डर, संसारी से डर, सांसारिकता से डर, संसार से डर, संसारी से डर, सांसारिकता से डर और संसार का डर। क्या हो गया? डर है ना, संसार का डर, संसारी से डर, संसार से डर और सांसारिकता से डर। चार डर है। तुम लोगों को डर है कि नहीं? है। हम भी कहते हैं डरो, लेकिन जहां तुम्हें निर्भय होना चाहिए वहां तुम डरते हो और जहां तुम्हें डरना चाहिए वहां निश्चिंत रहते हो। चार डर में संसार का डर और संसारी से डर तुम लोगों के भीतर है कि नहीं? बोलो, तुम लोगों को संसार का डर है कि नहीं? संसार का डर का मतलब, अरे भैया कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कोई खो ना जाए, किसी का वियोग ना हो जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए, कोई कष्ट ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, है ना ये डर? ये कौन सा डर है? कौन सा डर है? इस डर से क्या मिलता है? बोलो, तुम्हें विपत्ति का डर, वियोग का डर, बीमारी का डर, विसंगति का डर, ये जो डर है ये संसार का डर है, हर प्राणी के अंदर है।
इस डर का परिणाम क्या है? इस डर का परिणाम क्या है? हाँ, इस डर का परिणाम घबराहट, चिंता, व्याकुलता, उद्वेग, यही है ना। डर के मारे हालत खराब हो जाती, कांपते, है ना। संत कहते सच्चे अर्थों में देखा जाए तो तुम जिस संसार से डर, जिस संसार का डर तुम्हारे भीतर है, वहां डरने जैसा कुछ है ही नहीं। किससे डरते हो? विपत्ति ना आज तुम्हारे ऊपर विपत्ति कभी आ ही नहीं सकती। तुम हो कौन, इसको तो पहचानो। जिससे तुम डरते हो, जिसकी वजह से डरते हो, तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसमें डरने जैसा कुछ है नहीं। बोलो, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ओह, अरे थोड़ा अपने भीतर तो झांक कर देख। तेरा जब कोई इष्ट ही नहीं तो अनिष्ट क्या होगा? है कोई? तुम हो कौन उसे पहचानोगे, सारा डर पल में दूर हो जाएगा। जो तुम हो उसे पहचानो। मैं कौन हूं? ये जो नाम मेरे साथ जुड़ा है वो मैं नहीं हूं, ये रूप मेरे साथ जुड़ा वो मैं नहीं हूं, ये जीवन की सच्चाई है। जो इस सच्चाई को जानता है उसके हृदय में कोई डर नहीं होता। मेरा ना कुछ बनने वाला है, ना कुछ बिगड़ने वाला है, ना कुछ पाने लायक है, ना कुछ खोने लायक है। ना मैं कुछ पाने वाला हूं, ना कुछ खोने वाला हूं। मेरा तो एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। दुनिया में प्रलय भी आ जाए तो भी मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। है ऐसा श्रद्धान? बोलो। चलो, ये सच्चाई है कि नहीं? हा? है सच्चाई है। तो जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकारता है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो सच्चाई से दूर भागता है वो कभी सुखी नहीं होता। तुम तय कर लो तुम्हें सुखी होना है या दुखी। क्या करना है? हाँ, सुखी रहना है। सच्चाई को स्वीकारो, इस पर श्रद्धान करो, ये शाश्वत सत्य है। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसका ना कोई अच्छा है ना बुरा है, जिसमें ना कोई पाना है ना खोना है, जिसमें ना कुछ आना है ना जाना है, जिसमें ना कोई इष्ट है ना अनिष्ट है, जिसमें ना कोई सगा है ना दगा है, जिसका कोई ना अपना है ना पराया है, वह मैं हूं। जिसके अंतरंग में ऐसे स्वरूप के प्रति झुकाव होता है, उसको संसार का कोई डर होता है क्या? अभी तुम लोगों को तो संसार का ही डर है, रे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी बीमारी है, ये भी संसार का ही डर है। चार जने क्या कहेंगे, हमारी रेपुटेशन बिगड़ जाएगी, हमारी छवि बिगड़ जाएगी। अरे भाई, अपनी छवि को तो निहार, जो न कभी बन सकती है न बिगड़ सकती है। शाश्वत छवि को पहचानो। इस काल्पनिक छवि को अपनी छवि मानोगे, डरते रहोगे। क्या है मेरी असली छवि? वह जो मैंने अपनी कल्पना और मान्यता से गढ़ी है, अथवा वह जो अनादि से बनी पड़ी है? कौन सी छवि है? हाँ, कौन सी छवि? जो बनी है वो, या जो हमने मानी है, गढ़ी है वो? संत कहते अब तक हमने वही किया है जो हमने अपनी कल्पना और मान्यताओं से गढ़ा है, उसे ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल के रखा है, और यही भ्रम हमें दुखी बनाता है, डरता है कुछ खो ना जाए। अरे भाई, रेत का घरौंदा एक दिन टूटेगा। ये सब कल्पना के महल है, टिकने वाले नहीं है।
जो तुम हो उसे पहचानो, जो तुम हो उसे जानो। उस पर पक्का श्रद्धान रखकर चलने वाले को संसार का कोई डर नहीं। निर्भीक निडर, चाहे जो हो जाए मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षित हूं, मैं शाश्वत हूं। सुरक्षितो हम शाश्वतो हम पूर्णो हम अक्षयो हम अविनश्वरो हम सो हम। ये धुन अंदर जब जागती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। मुझे बात पूरी करनी है इसलिए आगे बढ़ता हूं। जब तक स्वरूप का बोध नहीं तब तक संसार का डर बना रहेगा, और जिसको संसार का डर होगा वो दुखी बना रहेगा, वो डिप्रेशन और अवसाद का शिकार होगा, चिंता बेचैनी और घबराहट से ग्रसित होगा। बचने का रास्ता, अपने आप को पहचानो। अज्ञान में दुख है, ज्ञान में सुख है, इसे जीवन का मंत्र बनाओ। एक बात सदैव ध्यान में रखना, मेरे भीतर की समस्याओं का समाधान कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे भीतर की समस्याएं मेरे कारण है तो उसका निवारण भी मुझे ही करना है। इनमें ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो मेरी मन की कल्पनाओं के कारण है। जिस दिन मैं अपने मन को सत्य से जोड़ लूं उसी दिन सब खत्म। मान लो कोई आदमी रात में सो रहा हो, नींद में देखता है कि उसके घर में आग लग गई, आग की लपटें आकाश को छूने लगी है और लपटें बढ़ते 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 उसके कक्ष को भी अपने आगोश में ले ली है, उसके पर्दे जलने लगे, दरवाजे जलने लगे, उसकी आँच बहुत तेज है, बिस्तर तक आ रही है और वो घबरा उठा है। मैं आपसे पूछता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता है? उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता है? हाँ बोलो, आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता है? एक बूंद पानी की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल सामने वाले को झकझोर कर जगा देने की। जागते ही आग बुझ जाएगी, क्योंकि वो आग थी ही नहीं, वो तो सपना था। तुम्हारे जीवन में जो आग लगी है जिससे तुम्हें घबराहट होती है, वो आग भी वास्तविक नहीं है, वह तुम्हारी कल्पना है। जिस दिन अंदर ज्ञान जगेगा वो आग बुझ जाएगी और तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। तो पहला डर संसार का, दूसरा डर संसारी का, संसारी का डर, अरे वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा ईर्ष्यालु, यहां बैठ जाओ, वो मेरा ईर्ष्यालु है, वो मुझसे जलता है कुड़ता है, वो मुझे सताएगा मुझसे बदला लेगा, वो मेरा बैरी है, वो मेरा शत्रु है। अरे कौन किसका बैरी, कौन किसका शत्रु? और कोई तुमसे कितना भी बैर क्यों ना बांधे, कोई तुमसे कितनी भी शत्रुता और कटुता क्यों न रखे, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, धन हरण करेगा, और क्या करेगा, छवि खराब करेगा, बदनामी करेगा, और क्या करेगा, परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, और क्या करेगा, जान से मार डालेगा, यही करेगा ना। अरे धन हरण, तेरा धन है कहाँ जिसको कोई हर सकता? जड़ धन को कोई हर ले तो चिंता मत करना, जीवन धन तो हरा ही नहीं जा सकता। तो
तुम चैतन्य धन हो, जल धन तुम्हारा स्वभाव थोड़ी है, एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। किसका डर? जो मेरा है नहीं उसे कौन हरेगा? मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ये श्रद्धान अपने मन में जगा लो, तुम्हारा कोई नुकसान करने वाला नहीं। मेरी छवि खराब करेगा, तेरी छवि तो नरकों में जाकर के भी नहीं बिगड़ी, वो क्या बिगाड़ेगा? सागरों पर्यंत नरकों में तुमने कितनी भयानक भयानक वेदनाएं सही, तुम्हारी छवि बिगड़ी क्या? तुम्हारी छवि शाश्वत है, ज्ञान दर्शन में है। एगो हम शास्व दो वादा नान दंसन लखनो, इस पर विश्वास करो। वह मैं हूं, मेरी छवि शाश्वत है, ये कभी बिगड़ ही नहीं सकती। मेरे परिवार को नुकसान कर देगा, मेरा परिवार है कहां? मेरे आत्मा के जितने गुण है वही मेरा परिवार है, बाकी तो बाहर सब संयोग है। अहम इको खल शुद्धो दंसन नान मैयो सदारूबी नव्यर्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूं, अरूपी हूं, मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। तो कौन सा मेरा परिवार? किस परिवार की बात करते हो? बोलो, मेरा परिवार है, ये परिवार इस जन्म का है, इससे पहले भी तो कोई परिवार है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी आज इस परिवार का सदस्य बना है किसी परिवार को विलखता छोड़ करके ही तो आया है। बोलो, आया ना? ऐसे कितने को विलखता छोड़ कर आए हैं और आगे जाके कितने में किलकारियां भरेंगे? आज किलकारी है कल विलाप, यही तो संसार का स्वरूप है। जन्म के समय किलकारियां होती है और मरण के समय विलाप होता है। किसके किसके लिए रोओगे? अनंतों को रुला कर आए हो और अनंतों को रुलाओगे। जो रोए वो भी मेरे नहीं, जो रोएंगे वो भी मेरा नहीं, जो रो रहा है वो भी मेरा नहीं, मेरा तो बस मैं हूं, वही असली परिवार है। तो मेरा परिवार शाश्वत है, बाकी सब संयोग है। तो मेरे परिवार का क्या बिगड़ेगा? मुझे जान से मार डालेंगे, मुझे मारने वाला इस संसार में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या मारेंगे? मारने की बात तो बहुत दूर की है, मुझे छुआ भी नहीं जा सकता, मुझे कोई छू तक नहीं सकता, क्योंकि मैं अस्पर्श हूं, मैं अरूप हूं, मैं अगंध हूं। मुझे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, न तो मुझे शस्त्रों से छेदा जा सकता है, न पानी से बहाया जा सकता है, न आग से गलाया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। मैं जो हूं बस मैं हूं, अजर अमर अविनाशी। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरण कैसा आएगा? डर? बोलो महाराज, डर को दूर दूर कैसे भगाए? लोग सवाल करते, मैं कहता हूं डर अपने आप दूर भाग जाएगा, अपने आप को तो पहचान लो। जो मैं हूं उसे जानो। जैन जगत में एक बड़े ख्यात नाम विद्वान हुए हैं, पंडित टोडरमल जी, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कहते उन्हें भरी जवानी में हाथी से कुचलवा के मरवा दिया गया धर्मदेशियों के द्वारा। जयपुर में वो घटना घटी, बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, लगभग 350 वर्ष पुरानी घटना है। पर हाथी के सामने रखा गया, ठीक है, जैसे हाथी कुचलेगा वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं उसे कोई कुचल नहीं सकता। हाथी तो केवल एक निमित्त बन करके आया है,
तन उत्पन्न हुआ है तो तन को एक दिन मरना है, हमने तो बचपन से जाना है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। यदि मेरी इस काया का अंत हाथी के निमित्त से होना है तो होना है, इसमें मेरा अपना कोई जोर नहीं, पर मैं जानता हूं जो मैं हूं उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे लोग इस घटना को देखेंगे वैसे मैं भी इसको देखूंगा, क्योंकि मैं केवल दृष्टा हूं। ये है वास्तविक पराक्रम। कहां से आई ये शक्ति? ज्ञान में। इतनी है शब्द ज्ञान में नहीं, सच्चे ज्ञान में, आत्मज्ञान में। कल मैंने कहा था अक्षर ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान करो। अपने भीतर के उस अविनाशी तत्व को पहचानो, जीवन का काया पलट हो जाएगा। तो संसार का डर और संसारी से डर अच्छे नहीं है, इनसे बचो। और डरो, किससे डरो? संसार से डरो और सांसारिकता से डरो। किससे डरो? संसार से डरो और सांसारिकता से डरो। संसार से डरो मतलब, अरे ये संसार बड़ा दुखमय है, भाग जाओ। कहाँ जाओगे भाग के? है कोई ठिकाना? कहाँ है? हमारे पास भी ठिकाना नहीं, हमारा खुद का ही ठिकाना नहीं, तुम्हारा क्या ठिकाना? संसार से भाग कर कहीं जाओगे? नहीं बचोगे, क्योंकि ये संसार तुम्हारे पीछे। संसार से भाग करके जाओगे तुम नहीं बचोगे। संत कहते हैं भागना नहीं है, जागना है। क्या करना है? जागना है। संसार से डरना मतलब इस दुख में संसार की कथा को ध्यान में रखते हुए उससे बचना, कि मेरी प्रवृत्ति का पाप मेरा शत्रु है, वो मेरी आत्मा का पराभव करने वाला है, वो मुझे दुख देने वाला है। मैं अपने अज्ञान पूर्ण परिणति के कारण इस संसार में भटकता रहा हूँ। बाहर का संसार असली संसार नहीं है, असली संसार तो मेरे भीतर का है, जो मैंने अपने मोह और ममत्व से बनाया है, गढ़ा है। उस संसार से डरो। भीतर के संसार से डरो, बाहर के संसार से डरोगे कुछ नहीं होगा। भीतर का संसार क्या है? जो संसार में भटकाए, जिसकी वजह से संसार में भटके, वही भीतरी संसार है। वह है हमारे अंदर का राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ, ये जो दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, विकार है, यही हमारे भीतरी और असली संसार है। इनसे डरो, पापों से डरो, दोषों से डरो, बुराइयों से डरो, और इनसे डरोगे तो बचोगे। डरने का मतलब ये नहीं, अरे मेरे चारों तरफ पाप है, मेरे भीतर विकार है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ है नहीं, अब तो डर रहा हूं, नींद चले गई। यहां डरने का मतलब घबराना नहीं, इन्हें अपनी शत्रु के रूप में देखना, उसकी पहचान करना, और इनको अपने ऊपर हावी ना होने देना, इनसे सदैव सतर्क रहना। ये डर होगा ना तो तुम्हारे अंदर सतर्कता आएगी, और उस सतर्कता से तुम्हारी प्रवृत्तियां संयत होगी, है ना? आप देखिए अपने जीवन में अनुभव होगा, जब साधारण वातावरण होता है आप निश्चिंत रहते हैं, पर जब गाड़ी किसी डेंजर जोन से गुजारते हैं तब सावधान हो जाते हैं ना। ये डेंजर जोन लिखा है,
वो डेंजर जोन लिखा वो किस लिए लिखा है? इसलिए कि आप लौट जाओ। क्यों वो साइन बोर्ड क्यों लिखा है? क्यों? सतर्क होके गाड़ी चलाओ, सावधान हो जाओ, कॉशन, यही है ना। एक बार एक युवक ने बोला, महाराज जी आप लोग बहुत नकारात्मकता फैलाते हो। बोले क्या? बोले आप लोग अपने प्रवचनों में संसार असार है, दुखमय है, संसार से डरो, इसमें कोई सार नहीं, क्या पता जीवन नश्वर है, कब मर जाओ कोई पता नहीं, ऐसी बातें बोल बोल कर इतनी निगेटिविटी भर देते हैं कि जीवन का रस ही खत्म हो जाता है। मैंने कहा भैया तुम्हारी समझ की चूक है, हम तो कभी नहीं कहते कि तुम जीवन का रस न लो, हम तो तुम्हें हमेशा ये समझाते हैं कि जीवन का असली रस लो। और यदि तुम्हें यह कहा जाता है कि जीवन नश्वर है, तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता कि तुम अपने जीवन को त्याग दो। जीवन को त्यागने के लिए नश्वरता का पाठ नहीं कराया जाता, जीवन में जागने के लिए नश्वरता का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, परीक्षा देते समय 3 घंटे का समय रहता है, प्रायः स्टूडेंट्स अपने हाथ में घड़ी भी रखते हैं, इसके बावजूद बीच बीच में घंटियां बजाई जाती हैं। क्यों बजाते हैं? हाँ, क्यों बजाते हैं? अरे तुम्हारा टाइम हो रहा है, छोड़ के भागो। भैया अलर्ट हो जाओ, समय जा रहा है, इसलिए जो कंपलसरी है उसको पहले कर लो। यही है ना, आपको सावधान करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए घंटी बजाई जाती है, या आपको डराने के लिए घंटी बजाई जाती है? हाँ, तो घंटी बजाने वाले के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखते कि कोसते क्यों घंटी बजाई? हाँ, तो घंटी केवल इसलिए बजाई जाती कि भैया समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए जो जरूरी है उसको पूरा कर लो। तो संत भी जीवन की नश्वरता का जब पाठ पढ़ाते हैं तो तुम्हारे लिए घंटी बजाते, बेटा समय कम है, जो करने योग्य है वो कर लो। जीवन से हताश होने के लिए नहीं, जीवन के प्रति और अधिक गंभीर होने के लिए तुम्हें ये पाठ पढ़ाया जाता है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए क्षण भंगुर जीवन का क्षण बीते उससे पहले तुम कुछ अर्जित कर लो। सो मत, आगे बढ़ो, उठो, जागो, निद्रा त्यागो, उत्तिष्ठ मा प्रमादय, उठो जागृत मा प्रमादय, जागृत हो जाओ, क्षण भर का प्रमाद मत करो, आगे बढ़ो। ये प्रेरणा है। ये प्रेरणा कब जगेगी? जब संसार की नश्वरता होगी, नश्वरता का बोध होगा। और अपने दोष दुर्बलताओं से जागरूक कब होगे? जब तुम उनको अपने लिए अहित कर मानोगे, आत्मा के शत्रु हो। यद्यपि आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है, लेकिन अजर अमर अविनाशी आत्मा को भी ये हमारी दुर्बलताएं विकारी बना देती है। इन विकारों से जो बाहर आता है वही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है, अच्छा कर पाता है। इसलिए अच्छा करने के लिए हमें संसार से डरना जरूरी है। डरना है कि नहीं, बोलो। हाँ, तुम लोगों को है संसार से डर? बोलो, है संसार से डर? है, ईमानदारी से बोलो। संसार से डर होता तो सांसारिकता से भी डर होना चाहिए। तुम्हें राग देश मोह में
काम क्रोध लोभ में रस आता है कि नहीं? बोलो, दुनियादारी में रस आता है कि नहीं? मौज मस्ती में रस आता है कि नहीं? बोलो, भोग विलास में रस आता है कि नहीं? पाप करने में मजा आता है कि नहीं? तो ये क्या तुम्हारी आत्मा को संवारने वाले हैं? ये तुम्हारे जीवन को तारने वाले हैं? इनसे तुम्हारा उद्धार होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं ना। तो क्या है? ये तो तुम्हारे शत्रु है ना। चारों तरफ से शत्रु तुम पर वार करे, तुम्हें घेरे रहे, तुम पर प्रहार पर प्रहार हो, और तुम ऐसे हाथ पे हाथ बांधे खड़े रहो, मुस्कुराते रहो, हाँ ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? बड़ा योद्धा है, चुपचाप झेल रहा है। यही है ना, तुम लोगों की दशा ऐसी है। कहते हो कि मुझे संसार से डर है, लेकिन हकीकत में न तुम्हें संसार से डर है, न सांसारिकता से डर है। अगर संसार से डर होता तो तुम अपने दोस्त दुर्बलताओं से बचते, और सांसारिकता से डर होता तो गोरख धंधे से बचते। आज तुम्हें गोरख धंधे में रस है और दोषों और विकारों का तो पोषण कर रहे हो। इसको बदलना होगा, मोड़ना होगा, जागना होगा, तब हमारा जीवन कहीं आगे बढ़ सकेगा। राजा भोज के जीवन के जमाने की एक कहानी। राजा भोज कवि था, बड़ा उदार था। उसने घोषणा कर दी कि जो भी लोग मुझे सुबह सुबह आकर नई कविता सुनाएंगे, उनको मैं 1,000 मुद्रा दूंगा, 1,000। ठीक है, 4 बिल्कुल वज्र मूर्ख निकल पड़े राजा भोज को कविता सुनाने। एकदम मूर्ख, मूर्ख की कविता कैसे होगी सोचो। निकले, अल सुबह निकल गए, रास्ते में देखा तो एक जगह चरखा चल रहा था। तो एक ने चलते हुए चरखे को देखकर कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है, चरर मरर चरखा चल रहा है। आगे बढ़ा तो देखा एक तेली था, उसका बैल खली भूस खा रहा था। उसको देखा, दूसरे ने कहा, तेली का बैल खली भूस खाए, चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए। आगे बढ़ा तो देखा एक युवक तीर कमान लेकर चला रहा था। तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमंद, चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद। चौथे से बोला, तू और बोल तब तो कविता पूरी होगी। बोले, चिंता मत कर, मैं आंसू कवि वहीं बताऊंगा। पहुंच गए राजा भोज के दरबार में, उन्हें प्रस्तुत किया गया और कहा, हमारी संयुक्त कविता है। चारों लाइन से खड़े हुए, एक पहले ने कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा, तेली का बैल खली भूस खाए, तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमंद, तो चौथे ने कहा, राजा भोज मूसर चंद। राजा भोज मूसर चंद, राजा भोज सुना तो एकदम सन्न रह गया, ये क्या बोल दिया। सारे दरबारी भी घबरा गए, राजा भोज के मुंह पे कह रहे, चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद, राजा भोज मूसर चंद। राजा ने कहा, कौन सी कविता है? मंत्री ने बात संभाली, बोले, महाराज अपराध क्षमा, बड़ी रहस्यवादी कविता है।
ये बड़ी रहस्यवादी कविता, आप इनके शब्द को मत देखिए, उसके अर्थ की गहराई में जाइए। क्या बोलते हो? बोले हाँ महाराज, ये कह रहे चरर मरर चरखा चर्रा, यानी संसार का चक्र इस चरखे की भांति अनवरत चर मर करके चल रहा है, और ये संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह विषयों का खली भूस खा रहा है, उसी में अब गोरख धंधे में उलझ कर अपने जीवन को के क्रम को बिता रहा है। इतने में आगे तीर कमन जीवन खींच तान करके पूरा करता है, किसी मध्य काल तीर कमान लेकर के आ जाता है, आदमी की मौत उसके सामने आ जाती। ठीक है, तीन लाइन तो समझ में आ गई, चरर मर चरखा चर रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आगे तीर कमन तो ठीक है, लेकिन चौथी लाइन की संगति कहाँ? बोले यही तो कह रहे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा भोज जागानी कैसा मूसर चंद है। इसलिए राजा भोज मूसर चंद है ना। अब राजा भोज मूसर चंद है या नहीं, मैं कहा हूं ये तो देख लो। क्या हो? बोलो बोलो, मैं बोल दूं बुरा लग जाएगा? अगर मैं तुम्हें बोलूं तो तुम लोग बुरा लग जाएगा, चिंता मत करना, मैं बोलूंगा भी नहीं, पर मेरे बोलने और न बोलने से क्या होने वाला, जो है सो है। हमें मूसर चंद नहीं अकलमंद बनना है। क्या बनना है? मूसर चंद से अकलमंद। अज्ञानी मूसर चंद है और ज्ञानी अकलमंद है, जो जीवन की सच्चाई को पहचाने लेते हैं वे अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलते हैं, वे अकलमंद हो जाते हैं, जीवन आगे बढ़ाते हैं। संवेग का मतलब यही है, संसार से डरो, सांसारिकता से डरो। कहते हैं भरत चक्रवर्ती, चक्रवर्ती थे सम्राट, छह खंड में एक क्षत्राधिपत्य, लेकिन वो जब सुबह उठते थे बंदी जन वाद्य बजाते थे, घंटा बजाते थे, और घंटा बजाने के साथ साथ कहा जाता था वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती को किसका भय? बाहर का कोई भय नहीं है। कोई का भय? बाहर का कोई भय नहीं। फिर चक्रवर्ती को किसके लिए भय बताया? बाहर का भय नहीं, पाप का भय है, मृत्यु का भय है, वो मृत्यु कभी भी आके धमक सकती है, इसलिए उसके आने के पहले सावधान हो जाओ, यही संवेग है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन के हर क्षण को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर का भी विश्वास नहीं है, एक पल का भी विश्वास नहीं। क्या पता तुम्हारा कौन सा पल तुम्हारे जीवन का आखिरी पल हो जाए, इसलिए हर पल को सार्थक करने का प्रयत्न करो। क्षण मपि मा पमाए, एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करो, जीवन को आगे बढ़ाओ, जीवन को ऊंचा उठाओ, जीवन का उत्कर्ष करो, यही संवेग भाव का सार है। तो संसार से डरो, सांसारिकता से डरो, और जीवन का उत्कर्ष करो। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।